हेलो या गुड इवनिंग यार विच so, uh, वर्षा वर्षा कुमारी यस सर ओके okay, ठीक है मतलब दो वर्षा है ना तो इसलिए पूछ रहा हूँ जी हाँ जी सर ठीक है से ठीक so, है सो लेट्स स्टार्ट एक मिनट ना वेट करते हैं एक सेकंड ओके सो नाउ लेट्स स्टार्ट और सो नाउ लेट्स स्टार्ट आई थिंक ऑल्सो ज्वाइन सो स्टार्ट करते हैं ठीक है ओके सो लेट्स डिस्कस

okay so now let's go ahead and let's discuss more so see i'm going like uh, when you when you want to compare a uh, sample with population we can go for either g test or t test so if you know the population variance you can go for g test if you don't know the population variance we can go for t test the statistic basically ना ओनले सी सपोज थोड़ा सा और आगे जाते हैं सपोज वी हैव अ डेटा एंड दिसोज वी हैव अ डेटा लाइक दिस सो ध्यान से देखिए सपोज एक हमारा यहाँ पर एफ वन है एंड दिस एफ टू है दिस इज आवर मे बी एफ थ्री ओके So suppose someone will provide this data, okay, and uh, he asked, "I'm more interested in f3." He asked, "I'm more interested in f3." Try to uh, uh, try to build uh, one model. And model, as you can say, relation uh, f3 with f1 and f2. सो ही सेइंग कि आप F3 के साथ रिलेशन बिल्ड कीजिए F1 और F2 के साथ तो इस बात का मतलब ये हुआ कि F3 जो है F3 F3 एफ दिस इज योर टारगेट ओके एंड दिस F1 एंड F2 इज योर फ्यूचर ओके सो यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ मॉडल For this F3 and F1 and F2 is your feature. So target ka matlab ye का मतलब hame हुआ कि हमें इसके लिए ही hai theek करना है ठीक है ओके okay. अब इसका मतलब यह हुआ कि हमें कुछ ऐसा करना है कि हम F3 को रिप्रेजेंट कर पाए F1 और F2 को यूज करके ओके okay. Suppose we take a linear model, so we can say F3 is equal to W0, W0 like this, so then Y is equal to Mx plus C. So C is a constant, so we take a constant W0, and then we take W1 is a feature 1, multiply with feature 1, so this is a weights 1 and feature 1, plus W2 multiply with feature 2. दिस इज आवर इक्वेशन दिस इज आवर इक्वेशन और मे बी प्लस सम एर क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता विदाउट एरर ये हो जाए एग्जैक्टली सेम डेफिनेटलीर एंड इज आवर इक्वेशन इसको हमने खुद से बनाया जस्ट एज्यूम किया कि हमारा लीडियर मॉडल है वी टेक डब्ल्यू नॉट एज ए कॉन्स्टेंट डब्ल्यू वन इंटू एफ वन प्लस डब्ल्यू टू एफ टू सो अगेन दिसपोथिटिकल टेस्ट ओके Again, if you see, this is a hypothetical test. If you go in statistics, hypothetically, we are assuming that there is a relation like this. So, we can run a st stats here as well and try to find whether this W1 is related to F3 or F1 or not. Whether this F, W3 related F3 or F2 or not. And, what will H0, W1 not is equal to 0.

Let's try to build this equation as again. So, if you see this F3 is equal to nothing but W0 plus W1 multiply F1 plus W2 multiply F2 plus error. Okay. So, now we can see error is equal to, I can write like this as well F3 minus W0 minus W1 F1 minus W2. टू okay. देखो ये जो टर्म है ना इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं f3 सेम इक्वेशन और इसी को हम चाहे तो बोल सकते हैं कि f3 का ये प्रिडिक्टन इक्वेशन है प्रडिक्ट करने के लिए इक्वेशन है सो आई कैन राइट एरर इज इक्वल टू F3 minus predict equation, this is error. Okay? Got it. But देखो यहाँ पे क्या है ये एक किसी मान लो यहाँ पे तीन है चार है चार है तीन है और पांच है और सपोज हमने इस इक्वेशन को यूज किया और हमने आया छः. दोनों गैप गैप जो आ गया वही एरर है एफ थ्री रियल है और एफ थ्री पी जो है प्रोडिक्शन है बहुत सारा डेटा हो सकता है बहुत सारा डेटा हो सकता है बहुत सारा प्रोडिक्शन हो सकता है इफ़ यू कंपेयरिंग ऑल वी आर गेटिंग एफ थ्री माइनस एफ डिफरेंट डिफरेंट डेटा के लिए दैट्स वाई वट ट्राई टू डू एर यू कैन राइट लाइक एफ थ्री माइनस एफ थ्री प्रडिक्शन इसको कर दो समेसन और एन एन मी जितना डेटा है एवरेज एवरेज ऑफ एरर ठीक है बट प्रॉब्लम इफ यू डू द एवरेज दिस दिस बिकम पॉजिटिव बिकम टू अवॉइड दिस लाइक सपोज यू एड ना तो कुछ कैंसल हो जाएगा उस कैंसिल को अवॉइड करने के लिए वी कैन डू और इसी को बोलते हैं मीन स्क्वायर एरर एम एस सी मीन स्क्वायर एरर सो नाउ यू कैन राइट योर एरर इज लाइक दिसर इज बेसिकली वन अपॉन एन सम्रीपी एयर में भी एफ थ्री स्क्वायर पहले ही ले कोई पुरानी स्क्वायर है सो आई कैन राइट दिस वन अपॉन एन समन एफ थ्री पी अभी देखा था डब्लू नॉट डब्ल्यू वन एफ वन प्लस डब्ल्यू टू एफ टू माइनस एफ थ्री होल स्क्वायर एरर ओके सो दिस इज अ एरर एंड दिस इज द वैल्यू सी केयरफुली इफ यू वांट टू इफ यू वांट टू डिक्रीज क्या डिक्रीज करना है इस एरर को सो आइदर वी कैन चेंज डब्ल्यू नॉट डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू क्योंकि एफ वन एफ टू एफ थ्री डेटा का पार्ट है सो so, आप डेटा तो चेंज ही नहीं कर सकते ना सो इफ यू वांट टू डिक्रीज द एरर वी कैन आईदर गो फॉर डब्लू नॉट डब्ल्यू वन डब्लू टू इन्हीं तीनों को बदल सकते हैं दिस सो दिस इज कॉल्ड यू नो वेट्स डब्लू नॉट डब्ल्यू वन डब्लू टू दिस ऑल्सो कॉल्ड पैरामीटर पैरामीटर ओके दिस नॉट कॉल्ड है पैरामीटर ठीक है दिस कॉल्ड वेट्स

Mean absolute error is like this one. Suppose I write this this mod not taking a square, it's called mean absolute error. Okay? But problem with uh, this absolute error now. Suppose you draw this now, it looks like this mod function. Very difficult to do differentiation on this point. That's why generally we use a square, it's called mean square error. Okay. और सर एक मार्जिन ऑफ एरर भी होता है हाँ वी विल डिस्कस दैट मान तो यहाँ डिस्कस कर सकते हैं वो जब मॉडल बनाएंगे तब डिस्कस करेंगे अच्छा ठीक है ओके okay, सर एक सेकंड ना एक मैसेज आ गया और ये भी डिस्टर्ब Okay, just a minute, yes, sorry. Actually, a सी ओके जस्ट गेस सॉरी एक मैसेज आएगा केयरफुली। तो अपन बात करते इस बारे में ठीक है कैलकुलेसन सपोज आई हैव एक्स एंड वाई एंड देर आर समेटा and now if i want to build a, a model so see this again if you see the loss here so suppose uh, my prediction is yp so loss is basically 1 upon n summation yp minus y whole square so if you if you open this it become like 1 upon n summation yp is basically w0 plus w1x minus y whole square

लेस्ट अबाउट मैथ जो आप दसवीं या के मैथ में होता है ना वो कैलकुले मैक्सिमा फाइंड करना मिनिमा फाइंड करना दसवीं ग्रही तो मैं करते हैं कोई भी चीज़ का मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है तो हम उसको डिफेंसीट करते हैं ना और डिफेंसीट करके उसको जीरो के बराबर रखते हैं है ना उसकी वैल्यू निकालते हैं फिर डबल डिस करते हैं और फिर अगर पॉजिटिव आए तो मिनिमम निगेटिव आए तो मैक्सिमम लेकिन हम उसको अभी ये समझ करेंगे बस इतना करना चाहते हैं उनको पता ऑलरेडी मिनिमम मिलेगा क्योंकि स्क्वायर फंक्शन है सो ट्राई टू लुकिंग फॉर दिस पॉइंट क्योंकि यही ऐसा है जहाँ पे डिफेंसिएशन जीरो होगा बाकी तो ऐसे बढ़ता ही जाएगा है ना सो वी आर लुकिंग फॉर दिस पॉइंट सो दिस इज ऑलवेज मिनिमा सो लेट्स टू द डिफेंसीिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डब्लू नॉट एंड डब्ल्यू वन सम ऑफ यू आर मे बी नॉट गुड इन मैथ नॉट गोइंग टू डू दैट कैलकुलेशन, जस्ट डायरेक्टली डू दिस अगर आप डी लॉस बाई डी डब्ल्यू नॉट करेंगे और इजिकल टू जीरो करेंगे और एक आता है डी लॉस बाई डी डब्ल्यू वन इजिकल टू जीरो करेंगे तो ऐसा डब्ल्यू नॉट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी वन अपॉन एन समेसन वाई माइनस डब्ल्यू वन मल्टीप्लाई वन अपॉन एम समेसन एक्स मतलब कि इसको वाई बार लिख सकते हैं एवरेज ऑफ वाई माइनस डब्ल्यू वन मल्टीप्लाई एवरेज ऑफ एक्स ये हो जाएगा डब्लू नॉट डब्लू वन की जो वैल्यू आएगी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग वैल्यू है ये समेशन वाई माइनस वाई बार एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाई समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ये आएगी वैल्यू इसको कैलकुलेट करोगे तो बिल्कुल भी आपको कैलकुलेशन अगर आप मैथ में थोड़ा सा अच्छा है तो कैलकुलेट कर देख लीजिए तो तुरंत मिल जाएगा आपको और नहीं अच्छा है तो करने की जरूरत नहीं है आपको इवन याद करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसको डायरेक्टली जनरेट कराएंगे ठीक है अब फिलहाल ये होता है फॉर इंटरव्यू जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन यू अब आप में से कोई भी बता सकता है कि W1 वन बेसिकली क्या दिख रहा है क्या इसको क्या बोल सकते हैं इसको इसको क्या बोल सकते हैं कोई बता सकता है इसको क्या बोलेंगे एनी वन ऑफ यू ये क्या है अच्छा ये क्या है तो ये क्या है ये वाला पार्ट कोई बताएगा नहीं बताओ क्या? कोई जान नहीं बताएगा ये बताओ पेटीएम का शेयर किसी ने खरीदा था तुम तो में से कोई लगाता है पैसे शेयर्स में नहीं लगाता यार ये फंड्स हाँ नहीं अच्छा म्यूचुअल क्यों नहीं मैं डायरेक्ट पता मैं म्यूचुअल फंड में लगाता हूँ लेकिन इसमें भी यार ये पेटीएम कहां तक जाएगा नीचे कोई बताएगा ये गिरता ही जा रहा है कितना गिरेगा ये तो आ गया कितने हजार देख नहीं पाया अभी जस्ट तुम मुझे क्वेश्चन पूछा टाइम दे रहे तो एक हजार बयासी पे आ गया भाई छोड़ो देना तो ये गिरता ही जाएगा लग रहा है देखो इधर सी हाँ किसी ने बताया आंसर यार अभी वेरियंस वेरियंस सबसे एक क्या वेरियंस है अभिषेक इसमें तुमसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ऐसी बातें बोलो इसमें अच्छा नीचे वालों को बोल लो वेरियंस ओके गुड गुड अभिषेक वेरियंस देखो यहाँ पर अगर मैं वन बाई एन से मल्टीप्लाई नीचे कर दूँ ऊपर कर दू वेरियंस क्या होता है एकस एकस बार होल स्क्वायर किसको नहीं पता यार चलो नहीं पता देखो जल्दी जल जल जल्दी ये सब डी ए में आप लोग पढ़े होंगे ना भूल गए हो देखो मीन होता है समेसम सबको ऐड कर को एंड से डिवाइड कर दो इसी को मीन बोलते हैं या एवरेज बोलते हैं ना मैं ना ज्यादा स्टैटिस्टिक में जा रहा हूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं बोल रहा हूँ सीधे बोल रहा हूँ मीन होता है वेरिएंस क्या होता है होल स्क्वायर इसको वेरिएंस बोलते हैं ठीक है कोवेरियंस किसको बोलते हैं एन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार मतलब कि यहाँ पे एक का रिलेशन दूसरे के साथ देख रहे हैं ठीक है इसका को वेरियंस और कोरोन कोफिशियंट किसको बोलते हैं को वेरियंस ऑफ एक्स कमाई डिवाइड बाई वेरियंस ऑफ एक्स ये तुम्हारा हो जाएगा कोरिलेशन कोफिसियंट

अच्छा <coughs> चलो एक बात बताओ तुम सभी लोग जितने लोग डीए पढ़ के आए हैं ना जो नहीं पढ़े हैं उनसे नहीं पूछ रहा हूं एक बात बताना इस ग्राफ में थोड़ा सा और करें ग्राफ वन और ग्राफ टू दोनों में क्या अंतर है ग्राफ वन ग्राफ टू में एनी वन ऑफ यू एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और एक राइट की डिस्ट्रीब्यूशन है हाँ ये दोनों नॉर्मल है बट ये तुम्हारा स्टैंडर्ड है और ये राइट right स्क्यूड है है ना और ये नॉर्मल है बट ये तो नाम है क्या दोनों में डिफरेंस क्या है अच्छा तो जैसे तुम लोगों को डी में पढ़ाएगा ना यहां पे बिल्कुल यहां पे बताया गया होगा कि ये जो है ना यहां पे मीन मोड और मीडियम तीनों एक ही पोजीशन पे पो होता है एक ही जगह पे होता है ठीक है याद रखना यहां पे क्या होता है इस वाले में ये तुम्हारा हो गया मीडियम मीडियम तो यहां आ जाएगा देखो राइट साइड ना तो मीन इधर आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा मोड आ जाएगा बोलते राइट सूट फूड इसी का तो वो एग्जांपल है जैसे मान लो तुम्हारे पड़ोसी में पांच लोग रहते हैं ठीक है तो और तुम्हारे घर के पास पांच परिवार है तुम्हारा घर ले करके मैं बोलूँ कि एवरेज इनकम क्या है मान लो सभी लोग की इनकम 20 से 30 के बीच में हो 25 ऐसे तो पांच कर दो तो एवरेज तो इस तरह का फॉलो करेगा लेकिन मान लो तुम्हारे घर के बगल में बिल का घर होता है ना तो उसकी अकेले इनकम इतना ज्यादा हो गई

काफ़ी सारी स्टोरी हैं इसके पीछे है ना तुम लोग मेरे से डीए नहीं पड़े अगर पढ़े होते ना तो ये टॉपिक को लेते ही तुम लोग हंसने लगते क्योंकि जब मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ तो कम से आधे घंटे तो ऐसे ही मजाक करता हूँ टॉपिक इतना बेटर है मतलब मस्त है कन्फ्यूजन से थोड़ा तो सा हो जाता है अगर ध्यान से न जाए तो ठीक है ठीक है गाइज तो बात समझ में आ गई ठीक है अब देखो चलो अब एक डेटा पे काम करते हैं है ना तो फिर वहां से देखेंगे धीरे धीरे आगे बात पढ़ाएंगे बहुत जरूरी काम है बोल गलती से भूल गए w1 वन मल्टीप्लाई एन पी डॉट मीन एक्स रन करो सो नाउ यू हैव डब्लू नॉट एंड W1 वन so सो हमारा इक्वेशन बना वाई पी इजिकल टू डब्ल्यू नॉट प्लस डब्लू वन अब मल्टीप्लाई एक्स एक्स को भी छोड़ दो अब यहाँ पर डेटा देखते हैं पहले वापस से और देखते हैं मेरा मॉडल सही वर्क कर रहा है कि नहीं तो डेटा पहले यहाँ प्रिंट कराते हैं देखो यहाँ पर डेटा आ गया टेक एनी डेटा लाइक लेट्स टेक दिस वैल्यू नाइन पॉइंट टू जीरो इसका प्रडिक्शन देखते हैं क्या आता है वाई पी रोनिट क्या आ रहा है ट्वेंटी टू पॉइंट वन थ्री रियल वैल्यू क्या है क्या हम सही प्रडिक्शन कर रहे हैं एकदम नियर टू प्रशन कर रहे हैं yes, <coughs> बोलो ना लेट्स गो फॉर दिस डेटा एट पॉइंट एट जीरो देखो ट्वेंटी वन पॉइंट टू फाइव समथिंग सो और मॉडल इज वर्किंग बेटर यस ये नो ओके सो यर वी यूजिंग स्क्रैच डूइंग स्टार्ट्स एंड लेट्स लेस ट्राई टू बिल्ड मॉडल अगेन थ्रू दी आई सो एगे किया इसलिए में कन्वर्ट कर पास करना है एपीआई में पास करने के लिए हमें फीचर टू डी में होना चाहिए तो X को क्या करते हैं पांडाज में ही रखते हैं तो पांडाज में रखना है तो देखो डेटा डॉट आई लॉक गिव द ऑल रो कॉलम से जीरो से लेके वन तक ले लो देखो यहाँ पर एक्स दिखेगा तुम्हारा देखो एक्स आ गया हमारे पास और वाई इज इक्वल टू कर देते हैं डेटा वाई तो हमने एक्स और वाई को ब्रेक कर लिया आपस में अब हम एपीआई यूज करेंगे देखो कोड वन फाइल में जाओगे ना जस्ट गोइंग टू कोड वन फाइल स्टैंडर्ड स्केल वी ए पॉइंट डॉट स्लो जेफ्रिस्ट मॉडल इज इक्वल टू सिंपल लेनियर यहाँ पेस्ट करिए ऑब्जेक्ट बनाइए और फिर करिए मॉडल डॉट फिट एक्स कॉमा वाई नाउ रन इट देखो अब करते हैं मॉडल डॉट कोफिस सॉरी अब रन करो इसको वापस से देखो ये आ गया कोफिसियंट और इंटरसेप्ट जो ये देखो मतलब इंटरसेप्ट मतलब डब्ल्यू नॉट देखो इंटरसेप्टिट देखो 1.89 2.2 एट नाइन टू पॉइंट जस्ट चेक इट हमारा क्या आया था कैलकुलेशन के थ्रू हमने क्या निकाला था इफ डू द कैलकुलेशन हमारा था 1.8 2.9 इसे प्रिंट ही करा लो ना w0 comma w1 जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया था गया था 1.8 2.9 रहा है 2.2 एंड 1.89 समझ में आया तो हमने वहाँ स्टैट्स से शुरू किया ये सब किया और <coughs> यहाँ पे क्या हुआ हमने जो है वो स्केलन किट अप्लाई करके किया क्या रिग्रेशन समझ में आया सभी को सिंपल वैल्यू रिग्रेशन समझ में आया क्या सभी को नो यस सर ठीक है अब मैं इसका नाम रखता हूँ फाइल भी आप लोग को दूंगा ठीक है थोड़ा एमएल वाली फाइल पक्का सही डेटा डेटा भी दूंगा डोंट वरी डेटा, डेटा भी दूंगा फाइल भी दूंगा बट मैं क्या कर रहा हूँ कि ठीक है ये तो समझ में आ गया आप लोगों को Now, uh, ओके okay, ठीक है डन 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 ठीक है अभी ठीक है देखो एक काम करना पड़ेगा काम मतलब कि ये तो मैंने करा एक आप लोगों को भी बनाना पड़ेगा ठीक है सो so बेटर कि आई विल गिव यू वन डेटा ठीक है ये डेटा तो दूंगा ये फाइल भी दे देता हूँ एक मैं डेटा देता हूँ ठीक है और आप लोग पहले इस फाइल और डेटा को एक बार रन करो ठीक है और फिर जो मैं डेटा देता हूँ उसमें आप उस पर काम करो कैसा रहेगा बेटर यस सर यस सर आप लोगों का एक बार रिव्यू वो हो जाएगा खुद से प्रैक्टिस हो जाएगा क्लियर डन नहीं डन 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 ठीक है सो आई विल फाइल एंड ये डेटा यूज किया एंड आई विल गिव एनदर डेटा मैं दो तीन मिनट लगा डेटा बनाने में मैं डेटा बनाता हूँ फिर आप लोगों को शेयर करता हूँ और प्लीज डू वर्क ऑन दिस डेटा इन बोथ टेक्निक इससे और उससे दोनों को यूज़ करिए मतलब एपीआई को भी कॉल करिए और इक्विशन से भी करिए ठीक है तो आई एम शेयरिंग दिस बोथ डेटा फाइल एंड ऑल एंड सेकेंड डेटा पाँच मिनट में क्योंकि थोड़ा टाइम रहेगा मुझे बनाने में डेटा एक ठीक है